सब कुछ एमएससी की। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज मेरा 24th कॉन्सिग्रेशन डे है। आप सब ढेर सारे शुभकामनाएं मेरे लिए भेजे हैं, प्रार्थना तो करते ही हैं और मैं इसलिए आपके आभारी हूं। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं कि खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। 24 साल पहले मेरा कॉन्सिग्रेशन हुआ पर आज मुझे उसका एक्चुअल उद्देश्य पता चला कि इस डायसिस में एक आत्मिक एक रिवाइवल के लिए रिन्यूअल के लिए खुदा मुझे लाया। क्योंकि वेरी रिसेंटली मेरे जीवन में ऐसे कुछ हुआ, मेरा तो जीवन बिल्कुल बदल गया। अभी मेरा दिल जो है वो खुशी से बिल्कुल भर गया है, आनंद आनंद ही आनंद है क्योंकि खुदा इतने सालों बाद मेरे से डायरेक्टली बातचीत करना शुरू किया। मैं विश्वास करता था कि खुदा लोगों से ऐसे डायरेक्टली बात करता है पर मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था। पर जब से खुदा मेरे से ऐसे बात करना शुरू किया तो जैसे मैंने कहा कि एक तो मेरे जीवन में सब कुछ सकारात्मक बातें हो रही हैं और मैं खुदा के सामने इसे गुड़गुड़ाना, दूसरों के बारे कंप्लेन करना, ये कम कर दिया है और लोगों की जो अच्छाई है वो मुझे देखने को मिल रहा है। और जो टास्क है हमारे सामने कि जो आज ऐसे फंसे हुए हैं शैतान के जाल में और अपने आप को नहीं निकल पा रहे हैं, उनको हम प्रार्थना के द्वारा, उनके लाइफ में इन्वॉल्व होने के द्वारा कैसे उनको बचाएं ताकि लोग बच जाएं, ये मेरे लिए एक जुनून बन गया है। और ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूं। तो आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर, प्रेइंग फॉर अदर्स में मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आए पर अब तक एक बार भी, नॉट इवन ए सिंगल टाइम मैं अपने लिए दुआ किया। क्योंकि मैं समझता हूँ जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं खुदा हमारे लिए जो हमारा पोर्शन का ब्लेसिंग वो रख ही देता है। और इसलिए प्रार्थना करें, मेरे हाथ से हाथ मिलाएं ताकि हम सब मिलकर ये डायसिस को ए डायसिस ऑफ प्रेयर एंड एक्शन करें ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। और कल इंस्टॉलेशन डे है मेरा और मेरे लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए जैसे अभी तक प्रेयर करते आ रहे हैं ऐसे कीजिए। गॉड ब्लेस यू।